लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ भाई। हाँ, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई शो यू हाउ यू चेंज योर नॉर्मल इंडिकेटर टू पार्किंग इंडिकेटर। तो भाई, बारिश तो बहुत हो रही है, दिख रहा है आपको। आज बारिश वाला मौसम भी है और सर्दी बहुत हो रही है, तो फोक वायर तो चलते रहते हैं दिल्ली में। तो इसलिए यार, बाइक में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि इसमें पार्किंग इंडिकेटर नहीं होते, गाड़ी वगैरह में तो होती है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि आप कैसे नॉर्मल बाइक, किसी भी बाइक में आप चेंज कर सकते हैं इंडिकेटर, वो भी 50 रुपये में। हाँ भाई, 50 रुपये में, खाली आपको ये स्विच लाना पड़ेगा। तो इसका बताता हूँ आपको मैं भी। सो भाई, इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए ये ऑन ऑफ करने वाला स्विच। तो इसमें आप जो देख रहे हो भाई, ये स्विच चलाना, ये थोड़ा सही रहता है। नॉर्मल आप लगाओगे तो इसमें पता नहीं ऐसे लोहे का कुछ होता है, वो जंग खा जाता है। तो ये लाना, किसी भी बाइक शॉप, बाइक मार्केट से आपको मिल जाएगा। ये मैंने निकाल दी है इसके लंबी लंबी वायर, और आपको चाहिए पेचकश। तो इसमें वो लगा होता है, वो मैंने निकाल दिया, आगे लोहा लगा होता है। आपको इतना लंबा रखना है इसका, और ये भी इतना लंबा रखना है, वायर छिल लेना है इतना लंबा, ताकि अच्छी तरह जा सके। वो आपको मैं बताता हूँ कि। तो देख लो भाई, 50 रुपये में क्या आता है। 50 रुपये में खुद ही फिटिंग कर दोगे, बाहर जाओगे महंगा पड़ेगा आपको, तो इसलिए 50 रुपये में करते हैं अभी आप फिटिंग। तो दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, पहले इसको स्विच को खोल लेते हैं। पहले इसके दो नट है, अब लग जा। तो दो नट इसके हल्के कर लेते हैं, एक ये, और इसको भाई खाली हल्का ही करना है, क्योंकि फिर वो फिट नहीं बैठेगा। तो ये हल्का हो गया और ये मुड़ जाए बस इतना। तो अब यहाँ पर लगाते हैं भाई। तो यहाँ पर भाई आप ये देख लो कि लगाना है कहाँ पर, जहाँ आपको सूटेबल हो वहीं लगाओ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वायर बहुत लंबी पहुँचेगी यहाँ तक, तो मेरे को यहाँ पर सही लग रहा है, मैं अपना यहीं लगाऊंगा। तो इसको लगाएंगे भाई ऐसे, ये लग गया भाई यहाँ। सो गाइस, ये हो रहा है अब टाइट, यहाँ से जगह कम पड़ती है, इसलिए यहाँ करना पड़ेगा। अब इसको पहले ढंग से टाइट कर लो इस वाले को, तो पूरा हो गया। तो इसको यहाँ ले जाओ, और अब ये वाला नट है, इसको यहाँ लगा दो, वहाँ से दिखाओ भाई। सो गाइस, है भी छोटा सा काम, खाली आपको चाहिए पेचकस से, और कुछ चाहिए नहीं। तो अब इसको खोलते हैं। अब आगे ये तो लग गया हमारा स्विच, तो अब इसको खोलते हैं गाइस। तो इसको खोलने के लिए खाली एक नट ढीला करना है, ये दोनों मेरे पहले से हल्के रहते हैं, इसलिए एक ही ढीला करना है। तो ये ऐसे निकल जाएगा। तो पहले आपको मैं पहले जला के दिखा देता हूँ कि अभी जल कैसे रहे। अभी खाली सिंगल जल रहे हैं, देख लो अभी कुछ फिटिंग की नहीं है। तो फिटिंग के बाद देखते हैं कैसे जलते हैं। तो उसको निकल के आएगा, ताम जाम गाइस सारा हमारे यहाँ पर है। तो ये सारा ताम जाम है। तो इसमें से हमने ये इंडिकेटर को देखना है अपने। तो ये जो वायर है पीछे, इस वायर को देखते हुए आना है अपने कि यहाँ कहाँ से दिखे। तो आगे आ जाओ, तो आगे देखोगे इसकी वायर ये दी, ये वाली, ये क्लिप है, ये किसकी, ये क्लिप रही, और ये इस वाले इंडिकेटर की यहाँ कहीं होगी, इस वाले इंडिकेटर की ये क्लिप है, देख लेना है आपको। पहले टच करते हुए आना है यहाँ पर, ये है। तो हमने कुछ नहीं करना गाइस, इसको खाली खोलना है यहाँ से, ये खुल गया। सो गाइस, अब इस तार को लेते हैं, ये लगाई हमने यहाँ पर। तो इस तार को पहले निकाल लेते हैं, ये देखो एक पीछे तार है, इसको यहाँ से अंदर से यहाँ से निकाल देंगे। तो ये आ जाएगी हमारी यहाँ पर, फिर आप यहाँ पर आओ, ये निकल गई, और ये छील रखे, और छीलनी भाई बड़ी है, लंबी छीलनी है, ताकि वो अंदर तक जा सके, इतनी लंबी तो आपको रखनी रखनी है। तो ऐसे ब्लू और हरी है, तो इसमें से कुछ भी एक ले लेंगे। और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर है वाइट और ब्लैक है, और यहाँ पर है, इसको भी निकाल देते क्लिप को एक मिनट, यहाँ पर है ग्रीन और ब्लैक। तो एक वायर हम कोई भी ऐसे ग्रीन वायर, ये ब्लैक वाली है, तो ये रख देंगे, ये ग्रीन वाली ले लो, कोई भी ले लो। तो इसको ब्लैक और वाइट में रखेंगे, इसको पहले पतला कर लेना। तो गाइस, इसको कर देते पतला एकदम, इतना कर दिया हमने, थोड़ा इसको मोड़ दे, तो ज्यादा हो गया, ढंग से पतला कर देना ताकि अंदर तक जा सके।
और ये ग्रीन वायर को हमने ब्लैक और वाइट है जो इसमें डाल देना है, इसकी जो ये आप देख रहे हो कैमरा पता नहीं फोकस कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ये जो है ना ये यहाँ पर इसको आपने डाल देना, बस जितना जा सके अंदर तक उतना डाल देना है। और फिर डालने के बाद यहाँ पर आपने ये क्लिप है इसकी वापस क्लिप लगा देनी है ऐसे। सो गाइस इसमें तो लग गई है, तो अब इसको भी ऐसे ही पतला करके सीधा हम इसमें लगा देंगे। और इसमें लगाएंगे ग्रीन और ब्लैक में, उसमें लगाया था मैंने ब्लैक और वाइट में, तो इसमें लगा देते हैं ग्रीन और ब्लैक में। सेम प्रोसीजर है, इसको भी अंदर डालना है, डल जाती है तो इसको भी यहाँ से क्लिप कर देना है ऐसे। तो आप जैसे इधर देखो क्लिप हो गया, तो इसको ऐसे अपना सेफ्टी ऐसे कर देना है और इसको भी पीछे को कर देना है। और यहाँ पर ये इसको आपने वापस लगा देना है। और अभी मैं आपको लगा के फिर ऑन करके दिखाता हूँ कैसे चल रहे हैं। सब लग चुका है तो मैं आपको अब इंडिकेटर ऑन करके दिखाता हूँ। पहले उससे पहले आप फिटिंग देख लो पहले आपको। तो ये हमारी यहाँ पर फिटिंग हो गई थी ऑन ऑफ की, और यहाँ से मैंने तार ले लिया अंदर और फिट करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें बांधने बोलने की, क्योंकि सीधा फिट होगी अंदर। तो हाँ मैं आपको जला के दिखाता हूँ, ये कर दिया हमने ऑन। तो पहले इंडिकेटर ऑन था, तो भाई अभी सिंगल चल रहा है, यहाँ से देखो सिंगल चल रहा है, पीछे भी सिंगल चल रहा है। तो हमने कुछ नहीं करना है, यहाँ सीधा बटन ऑन का कर देना है, यहाँ से ऑन कर दिया भाई डबल चलने लग गए। तो ये हो गया पार्किंग इंडिकेटर। बैक से भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे कैसे दिखा, अंधेरा नहीं वैसे सही है ज़्यादा अंधेरा। यार ये मेरी कैप कैसे तोड़ दी, तो ये भी सही करेंगे। देखो बैक से भी सारे इंडिकेटर चल रहे हैं। तो ऑन ऑफ करने के लिए गाइस इतना ही है, ये तो होगी बात बारिश वगैरह हो या कुछ हो तब ऑन ऑफ करना है। ऑफ करना हो तो आपको सीधा यहाँ पर बटन में ऑफ पर क्लिक करना है और फिर वापस आपका वही आ जाएगा, सिंगल इंडिकेटर चलेगा। ये देखो ये चल रहा है, और यहाँ से ऐसे कर दोगे लेफ्ट वाला चल रहा है, यहाँ से ऑन कर दोगे ना चारा चलेंगे। बस यही था इस वीडियो में आपको मैंने बताना, क्योंकि फॉग वगैरह बहुत हो रहा है दिल्ली में और ठंड तो है ही अभी और बारिश वगैरह भी हो रही है। तो बारिश मतलब मस्त है भाई, बाइक में देना चाहिए, पता नहीं कंपनी देती क्यों नहीं है, वैसे देना चाहिए उनको। और सही है ना, हमारे कोई वायर कट हुई है ना उसमें कुछ हुआ, वायरिंग कटिंग का भी कोई सीन नहीं है। और 50 रुपये में क्या बनता है यार, 2 मिनट का काम है जल्दी हो गया। तो यही है भाई, ऐसे भी कर सकते हो आप, और हर बाइक में हो जाएगा, ये नहीं कि बुलेट में ऐसा प्रोसीजर है, सेम सब में सेम है, FZ हो कुछ भी हो और हीरो होंडा वगैरह सब में सेम होगा। तो वैसे अगर अभी भी आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो यार वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लेना, वैसे मैंने बता दिया वो कुछ नहीं करना, एक प्लग है बस और 2 स्विच है इंडिकेटर के, उनमें बस कनेक्ट करना है आपको, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और एक पेचकस की जरूरत पड़ेगी वही खोलने के लिए, तो ज़्यादा कुछ है नहीं भाई। और वीडियो कैसा लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और ऐसे अपना प्यार बरसाते रहना। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।